أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. सूरत पाक की आखिरी आयत जो है उसका तर्जमा देखिए. अल्लाह फरमाता है या अय्युहल लज़ीन आमन, ऐ ईमान वालो, इस्बिरु, तुम अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों और परेशानियों पर सब्र करो. वसाबिरु, और दुश्मन के मुकाबले पर सब्र करो. वराबितु, और दुश्मन से मुकाबले के लिए मुस्तैद और तैयार रहो. वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो. लअल्लकुम तुफ्लिहून, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो जाओगे. ये इस सूरत की बिल्कुल आखिरी आयत है, और ये आयत अहले ईमान को चंद नसीहतों पर मुश्तमिल आयत है. और पूरी सूरत का ये दरहकीकत एक निचोड़ और एक खुलासा है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत पाक के अंदर ईमान वालों को तीन नसीहतें फरमाई हैं. पहली चीज़ है सब्र, और दूसरी चीज़ है मुसाबरा, और तीसरी चीज़ है मुराबता, और एक चौथी चीज़ है तकवा, जो इन तमाम तीनों चीज़ों के साथ लाजिम और ज़रूरी है. ये जो तीन चीज़ों की नसीहत की गई है, एक सब्र, और दूसरे मुसाबरा, और तीसरे मुराबता. साबिरु, इस्बिरु, ये सब्र, साबिरु मुसाबरा, और राबितु मुराबता. इसका क्या मफहूम है, इसका क्या मतलब है, तरतीब वार ज़रा देखिए. सब्र के लुगवी और लफ्जी माने, यानी अरबी ग्रामर, अरबी लैंग्वेज के एतबार से सब्र के माने आते हैं रोकने और बांधने के, रोकने और बांधने के. ये अरबी ग्रामर के एतबार से उसका तर्जमा होता है. कुरान और सुन्नत की इस्तेलाह में सब्र का मफहूम तबीयत को, नफ्स को खिलाफ तबा, यानी तबीयत में आने वाली चीज़ों के खिलाफ जमा देना, नफ्स को तबीयत के खिलाफ जो चीज़ें हैं उन पर जमा देना, इसी को कहा जाता है सब्र. सब्र की तीन किस्में हैं. एक है सब्र अला ताआत, और एक है सब्र अनिल मासी, और एक है सब्र अलल मसाइब. सब्र अलत ताआत, सब्र अनिल मासी, और सब्र अलल मसाइब. सब्र अलत ताआत, ये जो सब्र की पहली किस्म है, इसको
कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल ने जिस चीज का हुक्म दिया है कि इसे करो, जिस चीज का हुक्म दिया है इसे करो, वो चीज नफ्स पर चाहे जितना बोझ बने, चाहे जितनी तकलीफ का सबब बने, और दिल के लिए, नफ्स के लिए चाहे वो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ दिखे, अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया है तो उसके करने पर अपने आप को जमा देना, यही है सब्र हालत ताअत, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी पर अपने आप को जमा देना। समझ में आई बात? दूसरा है सब्र अनिल मासी, अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीजों से रोका है, मना फरमाया है, और सलीस जबान में शरीयत में जो चीजें मना है, चाहे वो चीजें दिल को कितना ही ज्यादा मरगूब, नफ्स को कितना ही ज्यादा पसंद हो, और नफ्स के लिए कितना ही ज्यादा चाहत वाली वो चीजें हों, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अगर मुमानात है, उससे रोका गया है, तो इस रोक पर अपने आप को जमा देना, इसी को कहा जाता है सब्र अनिल मासी, यानी गुनाहों से अपने आप को मुकम्मल तौर पर साबित कदमी के साथ रोक लेना, इसी को कहा जाता है सब्र अनिल मासी, यानी गुनाहों से अपने आप को रोक लेना। समझ में आई बात? तीसरी किस्म है सब्र की, सब्र अलल मसाइब, यानी आने वाली परेशानियों और मुसीबतों और तकलीफों पर सब्र करना। सब्र का मतलब यानी हद से ज्यादा परेशान न होना, परेशानी आएगी तो परेशान तो होगा आदमी, हद से ज्यादा परेशान ना होना, बल्कि ये सोचना कि आने वाली तकलीफें और ये मिलने वाली राहत ये सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह की मर्जी से ये चीजें हो रही हैं, इसलिए अपने नफ्स को इन मामलात के अंदर यानी तकलीफों और मुसीबतों के वक्त बेकाबू होने से बचा लेना, इसी को कहा जाता है सब्र अलल मसाइब, मुसीबतों पर सब्र। ये सब्र की तीन किस्में हुई और सब्र का ये मफहूम और ये मतलब लुगवी और कुरान सुन्नत की इस्तेलाह के एतबार से। दूसरा लफ्ज है मुसाबरा व साबिरू, ये भी सब्र से बना हुआ लफ्ज है, उसी से निकला हुआ लफ्ज है, उसी से माखूज है। इसके माने आते हैं दुश्मन के मुकाबले पर अपने आप को जमा देना, यह है मुसाबरा का मतलब। और तीसरा लफ्ज क्या है? वराबितू, रब्त का लफ्ज। ये राबितू जो है ये अरबी ग्रामर के एतबार से रब्त से बना हुआ है, रब्त के माने आते हैं बांधने के, रब्त के माने आते हैं बांधने और जोड़ने के। कुराने पाक और हदीसे पाक की इस्तेलाह हमें रिबात और मुराबता, ये जो है घोड़े बांधने और जंगी तैयारियों के लिए इस्तेमाल किया गया है इस जुमले का। चुनांचे कुरान पाक में एक जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वमिर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदू अल्लाह, और घोड़ों को बांध कर यानी मुकम्मल जंगी तैयारी करके रखो ताकि अल्लाह के दुश्मनों को तुम्हारी तैयारी देखकर उनके दिलों के अंदर रोब पैदा हो जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो घोड़े के बांधने और जंगी तैयारी के माने में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक के अंदर। और इसी तरीके से हदीस पाक और कुरान पाक में इस लफ्ज को दो मानों के अंदर इस्तेमाल किया गया है उमूमी तौर पर, एक इस्लामी सरहद की हिफाजत, रिबात का लफ्ज जो राबितू का लफ्ज है ना, कुरान और सुन्नत की इस्तेलाह में दो मानों में इस्तेमाल किया गया, एक इस्लामी सरहद, समझ रहे हैं समझ रहे हैं, इस्लामी हुकूमत
के बॉर्डर की हिफाजत, उसके लिए रिबात और मुराबता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो जंगी घोड़ों के एतबार से हो या जंगी असलाह के एतबार से मुसल्ला रहकर, ताकि दुश्मन इस्लामी सरहद की तरफ नज़र उठाने की हिम्मत ना कर सके, रुख करने की हिम्मत ना कर सके, अपना कदम इस्लामी सरहद की तरफ बढ़ा ना सके, इस्लामी सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार रखना। एक इस्तेमाल इस रिबात के लफ्ज का कुरान और हदीस की इस्तेलाह में ये हुआ है। और दूसरा, नमाज बाजमात की ऐसी अहमियत और इतना ज़्यादा उसकी कुढ़न दिल के अंदर रखना कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का फौरन दिल के अंदर ख्याल पैदा हो कि मुझे दूसरी नमाज बाजमात पढ़ना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार। इस माने में भी मुराबता और रिबात का लफ्ज़ कुरान व हदीस के इस्तेलाह में इस्तेमाल हुआ है। और ये दोनों इबादतें, यानी इस्लामी सरहद की हिफाजत, इस्लामी हुकूमत की बॉर्डर की हिफाजत और एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतज़ार में रहना, ये इतनी अहम तरीन और मकबूल तरीन इबादतें हैं कि हदीस पाक के अंदर बहुत सारे फ़ज़ाइल इन दोनों इबादतों के ताल्लुक से इस्तेमाल फरमाए गए हैं। चंद फजीलत की रिवायतें समझने के लिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों इबादतें कितनी अहम तरीन हैं। सबसे पहले माने को लीजिए रिबात के, क्या आया पहला माना, क्या बतलाया गया, ध्यान में रखिए, बोलिए, इस्लामी सरहद की हिफाजत, इस्लामी सरहद की हिफाजत, रिबात और मुराबता का रब्त, वराबितू का लफ्ज पहला इस माने में इस्तेमाल हुआ है। हिफाजत के लिए सरहद पर अपने आप को तैयार करके रखना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसकी दो शक्लें हैं, एक तो ये कि इस्लामी सरहद पर फिलवक्त जंग का कोई खतरा नहीं है, सरहद मामून और महफूज है, लेकिन हिफ्ज मा तकद्दम के तौर पर, यानी पहले ही तैयारी के तौर पर कि कभी अगर ऐसा मामला पेश आ गया कि हमला हुआ तो दिफा के लिए बिल्कुल अपने आप को मुस्तैद और तैयार रखना। इसकी एक शक्ल तो ये है कि आदमी वहीं जाकर बस जाए, वहीं जाकर अपना पड़ाव डाल दे, वहीं अपना रहन सहन इख्तियार कर ले। और इस सूरत में शरीयत की तरफ से ये भी इजाज़त है कि आप आदमी अपने अहल वयाल के साथ, बीवी बच्चों के साथ, घर बार के साथ वहाँ जाकर बस जाए और वहीं पर खेती बाड़ी करके या दूसरे ज़राए इख्तियार करके अपने माश के ज़राए पैदा कर ले, इसकी भी इजाज़त है। लेकिन दिल के अंदर नीयत क्या हो, इस्लामी सरहद की हिफाजत, तो ये है मुराबित फी सबीलिल्लाह, ऐसा शख्स अल्लाह के रास्ते में मुराबित कहलाएगा, भले से पूरी ज़िंदगी कभी जंग की नौबत ना आए लेकिन मुराबित फी सबीलिल्लाह कहलाएगा ऐसा शख्स। और अगर एक शख्स वो है जो सरहद पर जाकर बस तो गया है लेकिन असल मकसद उसका बसना है, सरहद की हिफाजत नहीं है, ये चीज़ उसके ताबे है, तो ये मुराबित फी सबीलिल्लाह नहीं कहलाएगा। तो एक शक्ल ये, दूसरी शक्ल ये है कि इस्लामी सरहद महफूज और मामून नहीं है, हर वक्त जंग का खतरा है, इस सूरत में अहल आयाल के साथ वहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं है, शरई एतबार से दुरुस्त नहीं है। सिर्फ वही लोग वहाँ पर रहें जो मुकाबला कर सकें दुश्मन का, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इन दोनों सूरतों के अंदर, यानी इस्लामी सरहद की हिफाजत की नीयत से जाकर सरहद पर बस जाना, रह जाना, और नीयत सरहद की हिफाजत हो, और दूसरे इस्लामी सरहद की हिफाजत पर जाकर सरहद पर रह जाना, भले से सरहद पर जंग का खतरा नहीं है या जंग का खतरा है, इन दोनों सूरतों के बड़े फजाइल हदीस पाक के अंदर आए हैं। चुनांचे बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, हजरत सहल इब्ने साद रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन का रिबात अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रिबात, क्या मतलब, एक दिन इस्लामी सरहद की हिफाजत अल्लाह के रास्ते में
ये दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। फजीलत देखिए क्या फरमा रहे, एक दिन का इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए एक दिन अपने आप को वहां पर खड़े रखना ये पूरी दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन इस्लामी सरहद की हिफाजत, एक दिन का रिबात, ये एक महीने मुसलसल रोजे रखने और एक महीने तक मुसलसल रात में जाग कर अल्लाह की इबादत करने से अफजल और बेहतर है। एक दिन का रिबात, एक महीने मुसलसल रोजे रखने और एक महीने तक मुसलसल रात में जाकर अल्लाह की इबादत करने से बेहतर है। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अगर इसी हालत में वो शख्स मर गया, यानी सरहद की हिफाजत करते करते उसकी मौत आ गई, ख्वाह शहीद होकर या अपनी मौत मरकर वो दुनिया से चला गया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत तक अमल रिबात का जितना सवाब उसको मिल रहा था जिंदगी में, कयामत तक मरने के बाद रोजाना उसके नामे आमाल में उतना सवाब लिखा जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उतना सवाब रोजाना लिखा जाएगा कयामत तक। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं और अल्लाह की तरफ से उसका रिस्क भी जारी रहेगा और ऐसा शख्स शैतान के शर से भी महफूज और मामून हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसी तरीके से अबू दाऊद शरीफ के अंदर हजरत फुजाला इब्ने उबैद की रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर मरने वाले का अमल उसके मरते ही खत्म हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है। मर गया अब कोई अमल तो कर नहीं सकता, अमल का सिलसिला खत्म, सिवाय अल्लाह के रास्ते में सरहद की हिफाजत करने वाले मुराबित के, उसको छोड़कर हर मरने वाले का अमल मुनक़ते हो जाता, खत्म हो जाता है, लेकिन मुराबित जो है उसका अमल खत्म नहीं होता बल्कि कयामत तक बढ़ता ही रहता है। वो बगैर अमल किए उसका अमल बढ़ता ही रहता है। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया और ये मुराबित सरहद की हिफाजत करने वाला शख्स कब्र में हिसाबो किताब लेने वालों से महफूज रहता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हिसाबो किताब से भी बरी फरमा देता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब ये जो रिवायतें आपके सामने पेश की गई इससे पता क्या चला, ये अमल रिबात सरहद की हिफाजत ये इतना अहम तरीन अमल है और इतना आला दर्जे का ये सदक़े जारिया है कि दूसरे सदक़े जारिया जो होते हैं ना उनसे भी अफजल और आला है। क्यों? सदक़े जारिया का एक कानून है कि जब तक सदका करने वाले का वो सदका किया हुआ चीज़, मसलन मकान किसी ने सदक़े जारिया में दे दिया, किसी ने सदक़े जारिया के अंदर किताबें लिख दी, या जो भी जिस चीज़ का भी सदक़े जारिया उसने किया, उसके सदक़े जारिया का सवाब उस वक्त तक मिलेगा जब तक लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठाते रहेंगे। जब लोगों ने उस चीज़ से फ़ायदा उठाना छोड़ दिया अब उसको सदक़े जारिया का सवाब नहीं मिलेगा, मुनक़ते हो जाएगा। लेकिन अमल रिबात एक ऐसा सदक़े जारिया है कि कयामत तक ख़त्म होने का कोई सवाल ही नहीं, इतना आला दर्जे का ये सदक़े जारिया है। क्या? अमल रिबात। वजह यह है कि इस्लामी हुकूमत में बसने वाले मुसलमान जो भी नेक आमाल करते हैं उन नेक आमाल का मदार अगर देखा जाए तो इस शख्स की जात से मुताल्लिक है। सरहद पर सरहद की हिफाजत के लिए यह शख्स खड़ा है, फौज खड़ी है, लोग खड़े हैं, तो मुल्क के अंदर बसने वाले मुसलमान जो भी नेक आमाल करेंगे इत्मीनान और सुकून से करेंगे, उन्हें इस चीज का धड़का और खतरा नहीं लगा रहेगा कि पता नहीं कब हमला हो जाए और हमको जाके मुकाबला करना पड़े। वो मामूना महफूज रहेंगे कि अगर अटैक किया दुश्मन ने तो पहले खड़े हैं वहां पर लोग, तो अमल करेगा कोई भी तो क्या करेगा,
सुकून और इत्मीनान के साथ। तो गोया कि ये मुराबिद का ये सरहद पर हिफाजत के लिए खड़े होना, ये दूसरे मुसलमानों के आमाले सालेहा का जरिया और सबब बन रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ये मकाम अता किया, कयामत तक उसका ये अमल जारी रहेगा। और एक हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इसकी फजीलत बयान फरमाते हुए फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, सही सनद के साथ ये रिवायत इब्ने माजा के अंदर आई है कि मन माता मुराबितन फी सबीलिल्लाह, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सरात की हिफाजत करते करते मर गया, उजर अलैहि अजरु अमलि सालिह अल्लज़ी काना यअमलु, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नेक अमल की बरकत से जो नेक आमाल वो करता था, इसके अलावा सरात की हिफाजत के अलावा जितने नेक आमाल वो किया करता था, मरने के बाद इसका सवाब तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उन नेक आमाल का सवाब भी जो वो किया करता था वो भी उसके नाम आमाल में कयामत तक लिखा जाता रहेगा। अमले रिबात के सवाब के अलावा जो नेक आमाल और वो किया करता था, कयामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सारे नेक आमाल को भी उसके नाम आमाल में लिखवाएगा, ये जारी रहेगा नेक नाम आमाल उसके अमल उसके नाम आमाल के अंदर। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, व उजरी अलैहि रिज़्क, और अल्लाह उसके रिज्क के सिलसिले को भी जारी रखेगा, और व अमीना मिनल फुत्तान, अल्लाह शैतान के और कब्र के शर से उसे महफूज फरमा देगा। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति आमिनन मिनल फज़, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मैदान महशर में ये शख्स बिल्कुल मैदान महशर की घबराहट और वहां की हौलनाकी और वहां की दहशत से बिल्कुल बाअमन और मुतमईन होकर उठेगा, उसे किसी चीज की घबराहट नहीं होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कितनी बड़ी फजीलत। इस रिवायत के अंदर एक शर्त लगी हुई है कि उसके नेक आमाल का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, अगर वो इसी राह में मर गया तो। लेकिन एक हदीस पाक के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी भी वजाहत फरमाई कि अगर वो जिंदा सही सलामत सरात की हिफाजत करते करते अपने घर आ गया तो भी उसको रिबात का सवाब कयामत तक मिलता रहेगा, और उसका वो नेक अमल जो वो कर नहीं रहा है उस नेक अमल का सिलसिला भी उसके नाम अमाल के अंदर लिखे जाने का सिलसिला जारी रहेगा। एक हदीस पाक के अंदर और अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमाई, चुनांचे हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुसलमानों की कमजोर सरहद की हिफाजत इखलास के साथ एक दिन अगर कोई शख्स करता है रमजान के अलावा किसी और महीने के किसी दिन में, तो इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम आमाल में एक दिन पर 100 साल मुसलसल रोजे रखने और 100 साल तक मुसलसल रात में जागकर अल्लाह की इबादत का सवाब नाम आमाल के अंदर अल्लाह लिखवाता है एक दिन के रिबात पर, 100 साल के मुसलसल रोजे और 100 साल मुसलसल अल्लाह की रात में जागकर अल्लाह की इबादत का सवाब एक दिन पर मिलता है। समझ में आ रही कि नहीं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और अगर ये अमले रिबात का अमल उसने रमजान के महीने में किया, ये तो रमजान के महीने के अलावा का सवाब है, अगर रमजान के महीने के अलावा अगर उसी ने किसी ने सरहद की हिफाजत के लिए इखलास के साथ एक दिन लगाया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 1000 साल तक मुसलसल रोजे रखने और 1000 साल तक मुसलसल रात में जागकर अल्लाह की इबादत का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है एक दिन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और अगर अल्लाह ने उसको सही सालिम अपने अहलो अयाल की तरफ लौटा दिया सरात की हिफाजत के साथ,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 साल तक उसके नामे आमाल के अंदर कोई गुनाह नहीं लिखवाएगा। 1000 साल तक उसके नामे आमाल के अंदर कोई गुनाह ही नहीं लिखा जाएगा। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, और ये नेकियां लिखी जाती रहेंगी और उसके इस अमल रिबात का अमल वाला सवाब कयामत तक जारी रहेगा। तफसीर करतबी के अंदर ये रिवायत अल्लामा करतबी ने नोट फरमाई है। देख लिया आपने, समझे? अमल रिबात दो मानों में इस्तेमाल हुआ है, रिबात और मुराबता का लफ्ज़। एक इस्लामी सरात की हिफाजत और दूसरे एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतजार। कितनी बड़ी फजीलत वाला अमल है अल्लाह के रास्ते में एक दिन सरात की हिफाजत करना। अब दूसरा अमल जो है एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह कल आपके सामने रिवायतें पेश की जाएंगी। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक की सही समझ नसीब फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اسلامی حکومت تو بننے دو پہلے پھر جائیں گے نا بنے گی السلام ورحمۃ اللہ خیریت